वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो, अभी मैं नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी, एंड हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। बट हाँ, जब वो ऑफिस चले जाते हैं ना तो ही मेरा सारा काम पेंडिंग वाला होता है और मैं करती हूँ। सो, आज मेरे रूम का पूरा कबाड़ा बना हुआ है, सारा कपड़े फोल्ड करना है क्योंकि ना एक यहाँ पे फेस्टिवल था सोसाइटी में, तो सारे कपड़े मैं निकाली थी, निशु वगैरह को भी मैं दी थी पहनने के लिए, शायद उनको फिटिंग करने सही नहीं हो पा रहा था तो दो तीन निकालने जा रहे थे, वो नहीं रहा और मेरे को कोई कपड़ा उतना आता नहीं है, तो मैं भी ट्राई की थी तो सारे कपड़े रायते बने हुए हैं। एंड कुछ बहुत सारे कपड़े लॉन्ड्री वॉश देना है, तो यही सब काम है। दोपहर में सारे काम क्लीन वाली करती हूँ, एंड अभी के टाइम में ना थोड़ा सा भी काम कर लो तो थकावट हो जाती है। सो, बस लेकिन टाइम निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड बस खाना पीना हम लोग का बन गया हो गया है, तो अभी दोपहर के टाइम में मैं यही सब कर लेती हूँ। एंड पता नहीं मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा बिंदी सी लगा ली थी, कुछ मेकअप ज़्यादा नहीं करने का मन करता है, बट अभी सूट कुछ काम था वीडियो का, तो मैं चलो वीडियो शूट करी थी, बोली चलो तैयार हो जाती, क्योंकि हमेशा अजीब सा बीमार बीमार सा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। एंड उसके बाद गाइस ना मेरा ना आँख, आप देख सकते हो आँख पे टैनिंग इतना ज़्यादा हो रहा है, डार्क सर्कल, रात में नींद नहीं आता। आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को, प्लीज़ बताना अगर आप लोग को आइडिया हो, सजेस्ट हो, जो भी प्रेगनेंट वीमन है कि नाइट में जो 9th मंथ में नींद नहीं आता उसके लिए क्या करना, नींद आने के लिए क्या करना रहता है। सो, प्लीज़ आप लोग सजेस्ट करिए, क्योंकि मेरे को नींद बिल्कुल नहीं आता, आँख मेरा फूला फूला सा रहता है एंड और नींद नहीं आता, उसके बाद से पूरा आँख डार्क सर्कल बढ़ती जा रहा है, और पैर तो सुस्ता ही सुस्ता है, पैर भी बहुत फूलता है और नींद नहीं आता। दो चीज़ मेरे को पूरे प्रेगनेंसी में लगा, बाकी टाइम तो मैं काम तो कर ही लेती हूँ खींच खींच के, मतलब जब करती हूँ उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में भले ही थोड़ा बहुत थकावट होता है तो रेस्ट करती हूँ, उस टाइम तो पता नहीं चलता, बट हाँ नींद का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को कोई, जो भी मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं जिनको पता है कि नींद क्यों नहीं आता और नींद आने के लिए क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। और बस आज का दिन मैं सोची चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आपसे, आप लोग से ब्लॉग में स्टार्ट कर लेती हूँ तो मेरा टाइम ऐसे ही निकलता है। एंड तो चलो अभी मैं कुछ सूट वगैरह की थी तो कपड़े वगैरह सब फैले हुए हैं, उसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ आज रूम का, उसके बाद फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो बस यही सब चल रहा है, यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, इधर पड़े हुए हैं तो सबको फोल्ड करना है, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं कुछ बैग्स वगैरह, तो चलो फटाफट फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए मेरी खुरपाती, ये देखिए मेरी खुरपाती, तो बस मैं इसको पैक कर लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ।
जला जला है छोला। सो गाइस, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करते करते, रूम वगैरह ठीक करते करते हो गई थी शाम। और बहुत दिन से निशु आई थी मैंने, तो उनको खाने का मन कर रहा था चाट। तो यहाँ पे मैं काली चने वाली छोला बना रही हूँ और समोसा बाहर से मंगा लूँगी। और सैटरडे संडे को वीकेंड के दिन मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ। तो और ऐसे भी पूरे फैमिली लोग आए हुए हैं, तो सोचे मैं कुछ बना के खिला ही दूँ लास्ट टाइम तक मैं थोड़ा। मम्मी लोग गए हैं वॉक के लिए निशु लोग, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ चाट कुछ स्पेशल बना दूँ, वो लोगों को भी खिला दूँ कुछ। तो इसलिए तो आज दिन से ही प्लान हो रहा था बनाने का। तो यहाँ पे मैं चना आलू को बॉईल कर दी थी, उसमें अब रिफाइंड में या सरसों का तेल में फ्राई कर लूँगी। तब तक जैसे ही फ्राई कर रही थी तब तक मम्मी लोग आ गई, तो जस्ट मैं गेट खोलने आ गई थी, उसके बाद मैं तड़का लगा लूँगी। बस ये बहुत ही घर का, कितना भी बाहर से मंगा लूँ ना तो घर वाला टेस्ट आता नहीं है। तो जो घर का टेस्ट है एक अलग ही, मतलब पेट भी भरता है और मतलब अच्छा भी लगता है। सो एक हम थोड़ा सा इमली भी मंगा लिए थे, तो क्योंकि दही पता नहीं चला कि दही कब ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से दही नहीं डाल के इमली का पानी डाल दिए थे। और इमली तो मेरा पसंदीदा चीज़ था। सो अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक डाल के तड़का लगा लूँगी प्याज हरी मिर्च से, और उसके बाद जो भी मिर्च धनिया हल्दी पाउडर चना मसाला सब कुछ डाल के तड़का लगा दी। कल मैम गया नहीं है, समोसा थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल के लगाई। इमली मंगा इमली तनिक पानी डाल लेता। सो गाइस, तो फाइनली चने की छोले काली छोले वाली चाट बना ली है, खा ली, सबको अच्छा भी लगा। बट दही नहीं था यार, पता नहीं चला फ्रिज में दही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सामान पता भी नहीं चलता है कि नहीं, और जाने जब जाओ बनाने ना तब पता चलता है। तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम, और भी ज़्यादा गर्मी लगता है, ऐसा नहीं लगता लेकिन इस टाइम तो थोड़ा सा भी कुछ कर लो ना तो बहुत थकावट भी उस टाइम तो पता नहीं चला, बाद में गर्मी भी लगता है। सो अभी हम लोग रूम में आ गए थोड़ा सा आराम करने के लिए ए सी ऑन करके, और बस अपना रूम भी साफ हो गया, खाना पीना बन गया, बस नंद दो चार रोटी सेक लेंगी तो आज का काम हो जाएगा। तो आई होप आज का ब्लॉग सब लोग को पसंद आया होगा। बट अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद चलेंगे, अभी टाइम 8 बज रहा है, थोड़ा देर 9 बजे तक वॉक करने के लिए जाते ही आ जाते हैं। तो इनका चार्ट रख दिए हैं, बस आते ही होंगे खिला के, फिर हम लोग थोड़ा वॉक कर लेंगे,
तो इस तरीके से आजकल टाइम निकल रहा है एंड बस धीरे धीरे घुस घुस करते रहते हैं। आई होप पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाट रेसिपी बस कुछ ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मल बनाते हैं घर में चूल्हे के साथ वही बनाते, समोसा बाहर से मंगा लिए थे एंड बस इमली पानी और प्याज हरी मिर्च टमाटर डाल के इतना टेस्टी बना था। मतलब छोला में अगर कम मसाला डालो तो छोला अच्छा बनता है, और छोला जो कम मसाला वाला रहता है ना तो उसका चाट भी अच्छा लगता है, तो इस वजह से शायद अच्छा लगा था। तो बस आज का कुछ ऐसे ही निकल रहा है टाइम, मम्मी लोग रहती है तो अकेले में कुछ खाने बनाने का मन नहीं करता, जब कोई रहता है ना तो कुछ कुछ लगता है कि चलो खिला भी दो खा भी लो साथ में, मतलब खाया भी जाता है। ऐसे तो अकेले में कुछ बनाने का मन भी नहीं करता ना खाने का, तो इस वजह से कुछ कुछ बनाते रहते हैं एंड आगे भी जो भी कुछ मेनू बनाएंगे तो वो ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। मैं सोच रही हूँ अभी निशु को छोला भटूरा अच्छा आता बनाने, भटूरा बनाएंगे तो जिस दिन उस दिन जरूर ब्लॉग करेंगे आप लोगों के साथ एंड उसके बाद फिर आगे जो भी होगा अपडेट करेंगे। फिलहाल थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थक गई हूँ, बाबू भी थक गई है, तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से। बाय बाय। नहीं दो बार दब गया था ना, चलेंगे थोड़ा आएंगे दो राउंड लगा के। हाँ हम इसलिए नहीं कहते चाटे हैं, दो राउंड लगा लेते हैं क्योंकि जरूरी है इसलिए करना पड़ता है।